हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मैं मार्केट जा रही हूँ। मुझे दूध लेना था और भाजी भी लेना है। और फ्रेंड्स, मैं इवनिंग टू मॉर्निंग का थोड़ा सा रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज़ फ्रेंड, मेरे लिए एक लाइक भी कर दीजिएगा मेरे वीडियोस को। और अपना ख्याल रखिए, थैंक यू। और वीडियो को पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स, मैं इन लोग को टिफ़िन में बनाने के लिए भिंडी ले रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों दोनों बच्चों को भिंडी बहुत पसंद है। तो सुबह मैं टिफ़िन में भिंडी बनाऊँगी और बाकी सबके लिए मिसल बनाऊँगी। तो मिसल सबको पसंद है, लेकिन बच्चे ये ग्रेवी वाली भाजी लेके जा नहीं सकते ना, तो इसके लिए इन लोग के लिए भिंडी बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग सामान लेके आ गए हैं, दूध और भाजी। और अभी शाम के 8 बज रहे हैं और ये मैं ड्रम धो के रखी थी, इसमें मैं पानी भरती हूँ। लेकिन कई दिन हो गए थे, अभी आजकल पानी अच्छा आ रहा है, तो मैं सोची ड्रम धो के पानी, मतलब पानी खाली कर दी ड्रम से, और ड्रम धो के रखी थी सूखने के लिए। तो वही मैं ला के जगह पे रख रही हूँ, क्योंकि मैं ये ड्रम के ऊपर ना, मैं ये सारे बर्तन जो मैं लेके जा रही हूँ सब उसके ऊपर रखती हूँ। क्योंकि ये हमारा, मतलब हमारा रेंट का रूम है ना, तो क्योंकि पटनी वटनी कुछ बनी नहीं है, ट्रॉली नहीं है, तो कहाँ रखेंगे। तो फिर ये ड्रम के ऊपर ही मैं सारे बर्तन रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ चाय हो चुका है और अभी मैं चाय छानने जा रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी आ जाइए पीने के लिए, साथ में चाय पी लेते हैं। ले चाय ले आ रहा, मैं वही वाली चाय लूंगा। बैठो, जो लेना है वो लो। तू पी गरम गरम चाय दिखा। उंगली दिखाएगा, उंगली पिएगा क्या? यस, रचित की चाय। चाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं आज जल्दी उठ गई। वैसे तो मैं 8 बजे उठती हूँ, लेकिन आज बच्चे लोग को स्कूल जाना है तो मैं जल्दी उठ गई हूँ। और रात को मच्छर भी बहुत काट रहे थे, तो मैं पूरे रूम में हीट मारी थी, और जिसके वजह से काकरोच भी बहुत सारे मरे हैं। तो ये भी सोफे पे भी काकरोच दिख रहे हैं मुझे, तो मैं सोची कि सुबह सुबह सोफ़ा ही लगा लेती हूँ सो के तुरंत उठने के बाद। तो मैं यही सोफ़ा झाड़ के साफ़ कर रही हूँ और करके बेडशीट लगा लेती हूँ।
तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि मैं ये दो अलग तरह की बेडशीट क्यों लगा रही हूँ। तो वो ऐसा हुआ है कि कल अर्नो ने इस साइड सोफे पे चाय गिरा दी थी, नीचे बैठ के पी रहा था और फिर सोफे पे बैठ के पीने लगा, और मना करने पे भी माना नहीं, बच्चा है सुनता नहीं है जल्दी, तो उसके वजह से बेडशीट ख़राब हो गई थी। तो मैं अभी उसके मैचिंग की बेडशीट भिगा दी, मतलब इसके साथ की जो थी, तो अभी ये चादर बिछा रही हूँ, क्योंकि बाकी जो दूसरी बेडशीट थी उसको भी धोई थी तो सूखा नहीं था, और आजकल बारिश का भी सीज़न चालू हो गया है तो जल्दी कपड़े भी नहीं सूखते, और वॉशिंग मशीन तो हमारे पास है नहीं। तो फ्रेंड्स बेड पे तो हम लोग सोते नहीं हैं, सोते हैं ज़मीन पे ही नीचे, क्योंकि ये वाला फ़ैन हमारा स्लो चलता है, तो इसलिए हम लोग बगल वाले बेडरूम में ज़मीन पे मतलब फ़र्श पे सोते हैं चादर बिछा के। लेकिन इस पे बच्चे इतना मस्ती करते हैं ना कि ये पीछे बिछाए भी बेडशीट ख़राब हो जाती है, तो सुबह सुबह मैं वही लगा रही। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं आज जल्दी उठ गई हूँ, और रात को देर से भी सोई थी, वो इसलिए क्योंकि वीडियो एडिट कर रही थी, आप लोग किला देखने गए थे ना तो उसका वीडियो एडिट कर रही थी, और एडिट करते करते मुझे ना टाइम बहुत ज्यादा लग गया, 1 बज चुका था। और फ्रेंड्स आज बच्चे लोग को स्कूल जाना है तो इसलिए मुझे उठना पड़ा सुबह सुबह, और अभी मेरा झाड़ू हो गया है हॉल का, बेडशीट चेंज कर दी, इसका भी चेंज कर दी हूँ, और किचन का हॉल का झाड़ू भी हो गया है, और इसका झाड़ू बाकी है तो मैं लगाने जा रही हूँ। सपोर्ट कीजिए क्योंकि ये हमारा नया चैनल है, और अपना प्यार और दुलार हमारे ऊपर बरसाते रहिए, और हमारे चैनल को खूब आगे तक बढ़ाइए। ओके फ्रेंड्स, तो मैं झाड़ू भी झाड़ू लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स पति भी हमारे आ गए हैं, वो बाथरूम में फ्रेश हो रहे हैं, नहा रहे हैं, और मैं चाय रख रही हूँ, और अभी मैं फ्रिज से अदरक निकालने आई हूँ, क्योंकि बिना अदरक के चाय तो अधूरी होती है ना, चाय में अदरक पड़ जाती है तो चाय का मज़ा ही कुछ और होता है, काफ़ी मज़ा आता है चाय पीने में, और अदरक अच्छे से कूट के डालो ना तो पूरा जो उसका रस होता है ना वो चाय में मतलब फैल जाता है बहुत अच्छी तरह से, और चाय काफ़ी टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स अभी मैं फ्रिज से भाजी निकाल रही थी, और ये देखिए क्या हो गया, मेरा चाय उबल के गिर गया और पूरा फैल चुका है, अभी मैं इसको क्लीन करूंगी। तो फ्रेंड्स मिसल बनाने के लिए देखिए मैंने आलू और मटर को उबाल लिया है, और कल रात को ही मैं ये दोनों भिगा के रख दी थी, मतलब दोनों ने ही मटर को भिगाई थी, आलू तो सुबह छिल के डाली हूँ।
मैं भिंडी बनाने के लिए कढ़ाई रखती हूँ गर्म होने के लिए। और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं, तो बच्चे मेरे सो के उठ गए हैं और आज स्कूल जाना था तो खुद से सब जल्दी उठ गए, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद स्कूल खुला है ना, तो काफ़ी एक्साइटेड हैं दोनों। और वैसे तो दूध सब पीते नहीं हैं, मतलब ऐसे नहीं पीते, लेकिन स्कूल जाना है इसलिए मैं सोची, मतलब बोली दोनों को कि दूध पी लो और फटाफट फ्रेश हो जाओ, बाथरूम चले जाओ। तो इसके लिए सब एक ही बार में मान गए और दोनों के दोनों दूध पीने लगे, और दोनों ने खुद से ही आपस में चैलेंज किया है कि कौन सबसे पहले ग्लास फिनिश करेगा। ये देखिए दोनों का लगभग एक ही साथ ख़त्म हुआ। और अक्सर होता है, मतलब दोनों कुछ भी काम करते हैं ना तो ऐसे चैलेंजिंग वाला ही दोनों करते हैं, दोनों भाई में कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।